Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today in this lecture I am going to discuss with you about William Tyndall. So friends, he was an English scholar. And friends, इने जो है William Tyndall को इसलिए ज़्यादा जाना माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है Bible को English में translate किया था. And ये काफी ज़्यादा जो है influence थे Martin Luther से and साथ ही साथ रिफॉर्मेशन मूवमेंट से क्योंकि रिफॉर्मेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो इस मूवमेंट के फॉलोवर्स थे वो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिस को डिसलाइक करते थे एंड साथ ही साथ इनके अकॉर्डिंग जो है कैथोलिक चर्च के जो लोग हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो किया करते हैं रिजिड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया करते हैं एंड कैथोलिक चर्च के जो फॉलोवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है बिलीव्स में सो so, इन्होंने जो है कैथोलिक चर्च से अलग होकर जो है एक न्यू सेक्ट फॉर्म किया था जिसका नाम था प्रोटेस्टनिज्म एंड वो जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का पार्ट बन गया था एंड साथ ही साथ जो है विलियम टिंडल जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि कॉमन लोग जो है अब बाइबल को रीड नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए क्योंकि अब जो है जॉन वाइक्लिफ की बाइबल को बैन कर दिया गया है so he was disturbed by the fact that common मैन was unable to read the bible for himself as because this time वाइक bible was banned and अब क्या होने लगा था कि विलियम टिंडल ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया एंड नोटिस किया कि जो लोग लो क्लास लो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनका ग्रुप जो है इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि इंग्लिश बाइबल को जो है अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए और वो भी बहुत नए तरीके से देन विलियम टिंडल जो थे वो एक्सेप्शनली जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है एजुकेशन गेन कर रखी थी सो so, एजुकेटेड होने के साथ साथ जो है ये बहुत सी लैंग्वेज़ में फ्लुएंट भी थे जैसे कि फ्रेंच में ग्रीक में हिब्रू में जर्मन में इटालियन में लैटिन में स्पेनिश में देन 1535 में क्या हुआ था कि जिस इंडिविजुअल ने विलियम टिंडल को हेल्प करने की कोशिश की थी शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश की थी एंटबर्ग में उसी इंडिविजुअल ने जो है विलियम टिंडल को धोखा दे दिया था देन इन्हें जो है कैप्चर कर लिया गया था एंड प्रिजन में डाल दिया गया था एंड ही वॉज सर्च बाई कैथोलिक अथॉरिटीज़ कि कहा जाता है कि विलियम टिंडल को जो है बहुत सारी कैथोलिक अथॉरिटीज़ जो है इनकी तलाश कर रही थी एंड वो जो है कैथोलिक अथॉरिटीज़ जो है इन्हें प्रिजन में डालना चाहती थी क्योंकि ही वॉर स्प्रेडिंग आइडियाज अगेंस्ट नोशंस कि ये जो है कैथोलिक लोगों के अगेंस्ट जो है आइडियाज़ यानी उन कैथोलिक लोगों के साथ ही साथ जो है कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिस हैं उनके खिलाफ जाकर जो है गलत आइडियाज़ जो है ये स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से जो है कैथोलिक अथॉरिटीज़ जो थी वो इन्हें जो है प्रिजन में डाले रखना चाहती थी तेन ही वॉज चार्ज विद हेअर्सी प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्हें जो है हेयरसी के इन्हें जो है हेयरसी के लिए जो है चार्ज किया गया एंड इन्हें जो है डेथ सेंटेंस यानी प्रोक्लेम कर दिया गया इनके लिए देन हिज लास्ट वर्ड्स पर कि इनके लास्ट वर्ड्स क्या थे लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड आइज ही इज़ एबल टू सी द ट्रुथ प्लीज़ रिमेंबर दिस कि लॉर्ड ओपन द किंग ऑफ इंग्लैंड आइज़ ही इज़ एबल टू सी द ट्रुथ देन इनका फेमस वर्क कौन सा है वो है टिंडल बाइबल सो ही ट्रांसलेटेड हिज बाइबल फ्रॉम हिब्रू एंड ग्रीक टू इंग्लिश प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है इंग्लिश से बाइबल को ट्रांसलेट किया था यानी इंग्लिश में जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया था हिब्रू और ग्रीक से एंड हिज न्यू टेस्टामेंट वॉज कम्प्लीटेड इन फिफ्टीन टवेंटी फाइव दैन हिज़ बाइबल इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनकी जो बाइबल थी यानी इनकी बाइबल की जो ट्रांसलेशन थी वो ऐसी पहली ट्रांसलेशन थी जिसको जो है प्रिंटिंग प्रेस का एडवांटेज मिल पाया क्योंकि इसी टाइम जो है जब इन्होंने जो है जिस टाइम पर बाइबल को ट्रांसलेट किया था उसी टाइम जो है प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ था सो हिस बाइबल इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड एट दैट टाइम हिस ट्रांसलेशन वाज़ कंसीडर्ड एज हेरसी प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनकी ट्रांसलेशन को जो है हेयरसी कंसीडर किया गया एंड ऑर्डर टू बी बॉन्ड प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इनकी ट्रांसलेशन को जो है लोगों ने अपोज़ किया एंड उसे जो है सी कंसीडर किया गया एंड जो है लोग जो है लोगों ने ऑर्डर किया कि इनकी बाइबल की ट्रांसलेशन को जो है जला दिया जाए दें ही कम्प्लीटिड टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है दो ओल्ड टेस्टामेंट के वर्जन को कम्प्लीट करने की कोशिश की थी फ़िफ्टीन थर्टी फोर में एंड साथ ही साथ फ़िफ्टीन थर्टी फाइव में बाई फिफ्टीन थर्टी नाइन हिस ट्रांसलेशन वॉज ऑफिशली अप्रूव्ड फॉर प्रिंटिंग प्लीज़ रिमेम्बर दिस कि 1539 में जो है इनकी ट्रांसलेशन को जो है ऑफिशियल अप्रूवल मिल गया था प्रिंटिंग के लिए देन किंग जेम्स बाइबल कि ये जो किंग जेम्स की बाइबल है उसे जो है बाइबल ट्रांसलेशन प्रिंटेड इन 1611 कि ये जो किंग जेम्स की बाइबल है उसे जो है ट्रांसलेशन करके जो है प्रिंट किया गया 1611 में एंड देखा जाता है कि जो किंग जेम्स की बाइबल है उसके जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर वो जो है टिंडल की बाइबल से ली गई हैं 83% थ्री परसेंट ऑफ़ किंग जेम्स वर्जन वॉज़ द वर्क ऑफ टिंडल ये कहा जाता है जो किंग जेम्स की बाइबल है उसमें से 83% जो वर्क है वो टिंडल के वर्क में से लिया गया है विलियम टिंडल के

क्यों जो थे हेनरी द एट्थ जो है इस बुक को पब्लिश होने के बाद जो है क्यों ज़्यादा जो है एंग्री हुए क्योंकि इस बुक में जो है विलियम टिंडल ने जो है कंडेम कर रखा था एंड अपोज़ किया था कि हेनरी द एट जो है वो कैथरीन से जो है डिवोर्स लेने के लिए क्यों प्लानिंग कर रहा है ही पब्लिकली कंडेमड एंड क्रिटिसाइज द डिसीजन ऑफ हेनरी द एट प्लीज़ रिमेंबर दिस कि इन्होंने जो है पब्लिकली इस चीज़ को कंडेम किया और क्रिटिसाइज करने की कोशिश की हैंरी द एट के डाइवॉर्स के डिसजन को लेकर एंड हैंनरी द एट जो है वो एन एंड कैथरीन से जो है डाइवॉर्स लेना चाहते थे जिसे हम क्वीन ऑफ एरगॉन के नाम से भी एसोशिएट करते हैं एंड देन मैर मैरी एंड बुलीन की एन एनी कैथरीन के बाद जो है हेनरी द एट जो है यानी हेनरी द एट जो है एनी कैथरीन से डाइवोर्स लेने के बाद जो है मैरी एन बुलिन के साथ जो है शादी करना चाहते थे बट इस चीज़ को भी जो है विलियम टिंडल जो है इस वर्क में जिस वर्क का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ प्री लेट्स में अपोज कर रहे हैं दिस वर्क इवोक द रेज ऑफ इंग्लिश किंग इस वर्क की वजह से जो है इंग्लिश किंग हेनरी द एट को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आया देन देन नेक्स्ट वर्क जो है वो वर्क है ओबीडियंस ऑफ अ क्रिश्चियन मैन बेस्ट नोन वर्क फॉर एडवोकेटिंग किंग ऑफ़ कंट्री वॉज हेड ऑफ कंट्रीज चर्च की कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत अच्छा वर्क है जिसमें इस चीज़ को एडवोकेट किया गया है कि किंग ऑफ कंट्री यानी जो कंट्री का किंग है वो अब जो है कंट्री के चर्च का भी हेड बन गया है मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि इस बुक में जो है इस चीज़ को एडवोकेट किया गया है कि जो कंट्री का किंग है वो अब जो है चर्च का यानी उसे जो है अब चर्च के हेड बनने की भी पोजीशन दी दे, दे दी गई है हेनरी द दट्थ सेट दैट ही इज़ द हेड ऑफ़ द चर्च ऑफ इंग्लैंड क्योंकि हेनरी द एथ ने जो है जब वो कैथोलिक चर्च से अलग होकर वो जो है उसने एक नया सेक्ट फॉर्म कर लिया था जिस सेक्ट का नाम था प्रोटेस्टेनिज़म जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का पार्ट बन गया था सो so, उस टाइम पर जो है इन्होंने कहा था कि अब जो है हेनरी द एट जो कि किंग हुआ करते हैं वो अब जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के भी हेड बन गए हैं और अब जो है पोप जो है अब चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड नहीं रहा है बल्कि एक किंग जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड है ही इज़ एडवोकेटिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंग एंड इस चीज़ में जो है विलियम टिंडल एडवोकेट कर रहे हैं कि जो किंग का जो रूल है वो बिल्कुल जो है गॉड के रूल से इक्वल है ही इज़ एडवोकेटिंग द डिवाइन राइट ऑफ किंग सपोर्टिंग किंग हेनरी द एथ डिसीजन इसमें जो है वो किंग हेनरी द एथ के डिसीजन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं एंड साथ ही साथ जो है वो इस चीज़ को कह रहे हैं एडवोकेट कर रहे हैं कि जो किंग का रूल होता है वो बिल्कुल गॉड के रूल से के इक्वल होता है द चर्च ऑफ इंग्लैंड विल नाउ हैव हेड कि अब जो है इस चीज़ में बताया गया है इस वर्क में बताया गया है कि अब जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड को जो है एक हेड मिल गया है एंड वो हेड कौन है वो एक किंग है इंग्लैंड का किंग ही जो है अब चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड बन गया है वाइडली रीड रेड इन इंग्लैंड इवन इफ़ इट इज़ बंड कि इस वर्क को जो है बहुत जगहों पर इंग्लैंड में रीड किया गया इस वर्क के बैन हो जाने के बावजूद भी जो है इस वर्क को जो है रीड किया गया इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसे रीड किया करते थे लेटर ऑन मैंशन द वर्कस ऑफ शेक्सपियर एंड साथ ही साथ जो है इस वर्क को जो है शेक्सपियर के वर्क्स में भी मैंशन किया गया देन एन बुलिन ओन कॉपी ऑफ दिस बाइबल कि एन बुलिन ने जो है इस uh, बाइबल की जो है कॉपी को भी ओन कर लिया था व्हेन हेनरी वाज ट्राइंग टू ऑप्टेन परमिशन फ्रॉम द पोप टू डाइवोर्स हिज फर्स्ट वाइफ कि जब जो है हेनरी द एट जो है वो पोप से परमिशन ले रहे थे कि वो जो है अपनी फर्स्ट वाइफ को डाइवोर्स दे सकते हैं या नहीं एंड आज हेनरी टू रीड ओबीडियंस एंड उस टाइम पर जो है हेनरी से जो है हेनरी द एथ से जो है यानी परमिशन ली गई कि वो जो है इस ओबीडियंस को रीड करें देन एन बुलीन इंट्रोड्यूस ओबीडियंस टू हेनरी द एट प्लीज़ रिमेम्बर दिस कि एन बुलीन ने जो है इसको यानी ओबीडियंस को जो है हैंनरी द एट्थ के सामने इंट्रोड्यूस किया था देन देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है And friends, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Hope this lecture will help you in your UGCnet English Literature exams. Thanks, friends, for watching.